हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट रिवीजन। रिवीजन आज से हम सारे चैप्टर अभी तक हमने करे हैं उनके देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट चैप्टर इज वेयर टू लुक फ्रॉम। ओके, सो देखिए अब क्या लिखा है यहाँ पे। आवर टीचर टोल्ड अस टू ड्रॉ अ पिक्चर्स ऑफ अ कार। अब जो इनकी टीचर है, टीचर ने आज कहा है कि सारे बच्चे क्या करेंगे, पिक्चर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, वी ऑल ड्रॉ we all draw the car differently। अब जो बच्चे हैं, बच्चों ने मतलब कार को differently draw किया है। next day when we show our pictures to each other, अब जो बच्चे हैं next day picture draw करके लाए हैं, अब वो pictures को जो है वो बच्चे आपस में दिखा रहे हैं दूसरे को। ठीक है, नाउ अब कह रहे हैं वो, बट अंशुल स्टार्ट लाफिंग। जो अंशुल है लेकिन वो हंसना शुरू हो गया है। ठीक है, उसने हंसना शुरू शुरू कर दिया है। ही वॉज लुकिंग एट धीरज ड्रॉइंग ऑफ अ कार। अब वो हंसने लगा है किसकी ड्रॉइंग पे, धीरज की ड्रॉइंग पे हंसने लगा है। अंशुल सेड इट लुक लाइक अ स्मॉल बॉक्स। वो कह रहा है ये एक छोटे बॉक्स की तरह लग रहा है, किप्ट इन अ बिगर वन, जो एक बॉक्स जो बड़े बॉक्स के अंदर रख दिया है छोटे बॉक्स को। देखिए यहाँ पे दिखाया भी है जो छोटा बॉक्स है, देखिए जो छोटा बॉक्स है, जो छोटा बॉक्स है उसे बड़े से बॉक्स के अंदर रख दिया है। ऐसा कौन कह रहा है, अंशुल कह रहा है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा है। आगे जो है पहले हम इसका ब्रश खोल लेते हैं। ओके, सो देखिए अब क्या कह रहा है। अंशुल सेड इट लुक लाइक अ स्मॉल बॉक्स कीप्ड इन अ बिगर वन। दैट देन अंशुल शो इज हिज ड्राइंग टू धीरज। वो कह रहा है धीरज से कि भाई ये क्या क्या बनाया है आपने, ये आपका ऐसा लग रहा है कि आपने एक बड़े से बॉक्स के अंदर एक छोटा सा बॉक्स रख दिया हो। ठीक है, नाउ अब ये क्या है नीचे लिखा हुआ, बोथ ऑफ देम ड्रॉ द पिक्चर्स ऑफ द सेम कार। जबकि हम दोनों ने ही एक ही कार को बनाया है, जबकि टीचर ने मतलब सोचा है, जो बच्चे हैं आपस में बात कर रहे हैं कि भाई जबकि जो ये कार है दोनों ने एक ही कार का पिक्चर बनाया है। ठीक है, बट द ड्रॉइंग लुक डिफरेंट, लेकिन जो ड्रॉइंग है वो दोनों ने ही डिफरेंट की है। ओके, सो देखिए अब आगे क्या है। धीरज सेड ही हैड लुक एट द कार फ्रॉम द टेरिस। लेकिन जो धीरज है, धीरज कहता है कि जो मैंने कार बनाई है वो मैंने टेरिस में खड़ा था जब, तो मैंने उसे वहां से जब देखा तो मुझे ऐसी पिक्चर दिखाई दी। ओके, डू यू थिंक हिज फनी ड्राइंग इज राइट। सो अब वो कह रहा है ये कुछ मतलब अलग सी ड्राइंग थी। ठीक है, सो देखिए अब आगे क्या लिखा है। हैव यू लुक थिंक फ्रॉम द साइड्स। अब इसमें आप पोस्ट में लिख सकते हो आंसर इज यस। ओके, फनी थी ना। ओके, नाउ सेकंड आपका हैव यू लुक एट थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट साइड्स। अब वो कह रहे हैं आप डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स को मतलब डिफरेंट वे से देखोगे तो आपको अलग लगेगी ही। ठीक है, डू दे लुक द सेम और डिफरेंट, अब इसमें आएगा यस। जब आप ये कह रहा है जब आप डिफरेंट वे में देखोगे इसे तो आपको ये डिफरेंट लगेगी ही। सो यस, हाँ हमको डिफरेंट लगेगी ना ये चीज। ठीक है, सो अब देखिए नीचे नेक्स्ट है लुक एट द पिक्चर्स। लुक एट, एक मिनट, लुक एट द पिक्चर ड्रॉ हियर हाउ डज द टेबल लुक फ्रॉम द साइड। अब वो कह रहा है कि आपके जो साइड से जो है वो टेबल कहाँ से दिखाई देगी, तो हम एक काम कर लेते हैं इनमें नंबरिंग कर लेते हैं। फोर्थ इसे पहला नंबर दे देते हैं और इसे सेकंड नंबर दे देते हैं। ठीक है, सो अब देखिए लुक एट द पिक्चर ड्रॉ हियर हाउ डज द टेबल लुक फ्रॉम द साइड। अब साइड से कैसा दिख रहा है, तो जो फर्स्ट वाला है ये आपका फर्स्ट वाला जो है यहाँ इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट में आपका साइड व्यू दिख रहा है। नाउ विच पिक्चर इज फ्रॉम द टॉप, अब टॉप में कैसा दिख रहा है, तो आप सेकंड वाला टॉप में लिख सकते हो। ठीक है, some pictures are drawn below, imagine
हाउ दीज थिंग्स विल लुक इफ सीन फ्रॉम द टॉप। अब वो कह रहा है कि यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, इन्हें क्या करना है आपको, जो जो पिक्चर्स हैं इन्हें आपको देखना है कि इनका जो व्यू है वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो आप देखिए, पहला फर्स्ट है आपके पास प्रेशर कुकर, सेकंड आपके पास एक स्लीपर दी है, थर्ड वन आपके पास शायद मैस्कमेलन है या पम्पकिन है। ठीक है ना, फोर्थ वन जो है आपके पास वो शायद अलमीरा है कोई। ठीक है, सो अब देखिए नीचे आपको दिया है जो प्रेशर कुकर, आपको टॉप से देखोगे तो ऐसे दिखेगा, जो स्लीपर है वो ऐसे दिख रही है साइड से, और टॉप व्यू ये है उसका। नाउ थर्ड वन है आपका पम्पकिन, तो पम्पकिन आपका जो आप फ्रंट व्यू देख रहे हो उसका वो ये है, और जो उसका टॉप से देख रहे हो तो ऐसी दिख रही है। नाउ फ्रंट से देखने पे आपको अलमीरा ऐसी दिख रही है और टॉप से ऐसी दिख रही है। नाउ अब देखिए आगे, आपको पेज नंबर सेकंड पे दिया है प्रैक्टिस टाइम। सो अब देखिए, अ कैट इज पीपिंग इनटू अ क्लासरूम, कैन यू हेल्प हर फाइंड आउट वेयर द टीचर इज। अब वो कैट है बैठी हुई देखिए ऊपर, अब वो कह रहे हैं ये कैट है, जो ये कैट क्या कर रही है ऊपर क्लासरूम के ऊपर, एक एक कहाँ पे बैठी है, रोशनदान या खिड़की बनी हुई है इस पे बैठी हुई है विंडो पे, और वो विंडो से देख रही है ऊपर की विंडो से कि आपकी क्लास टीचर कहाँ पे। ठीक है, सो अब देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है क्लास टीचर कहाँ पे है। ठीक है, अब दिया है यहाँ पे, यहाँ तक हो गया है, तो आपको यहाँ पे देखना है कि क्लास टीचर को देख पा रही है, तो क्लास टीचर ये, दिस वन इज क्लास टीचर। ओके, सो हियर आर सम पिक्चर, हियर आर सम पिक्चर फाइंड आउट फ्रॉम हियर, यू हैव टू लुक एट सी थिंग दिस वे। अब आपको बताना है मुझे कि आपको कौन कौन से व्यू दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, तो साइड बाय साइड हम देख रहेंगे इसे साथ साथ। देखिए फर्स्ट है जो स्टार केस, ओके स्टार केस, सीढ़ी दिख रही है आपको यहाँ पे, तो सीढ़ी देखिए आपकी, जो सीढ़ी है वो आपकी साइड व्यू, वेरी गुड, साइड व्यू से आपको ऐसी दिखाई दे रही है, जो ये है ये फ्रंट व्यू में दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, फ्रंट व्यू, ओके। नाउ अब आपका टेबल है, टेबल कौन से वे में आपको ये दिख रहा है, तो आप देखेंगे ऊपर आपको पहले भी टेबल दिखाया गया है, तो टेबल देखिए यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट और सेकंड लिखाया था आपको, तो ये आपका टॉप व्यू दिखाई दे रहा था हमारा। ठीक है, सो अब यहाँ पे आप लिखोगे टॉप व्यू, ओके, सो नेक्स्ट आपका साइड व्यू आ जाएगा, ये आपका टॉप व्यू आ जाएगा, फिर ये आपका साइड व्यू आ जाएगा, क्लियर। नाउ आप देखिए ये कह रहा है ड्रॉ व्यू ऑफ अ फ्यू थिंग्स एंड आस्क योर फ्रेंड्स टू गेस व्हाट दे आर। अब वो कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करनी है, कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करने के बाद आपको अपने फ्रेंड्स को क्या करना है, वो पिक्चर्स के बारे में आपको उन्हें बताना नहीं है कि ये पिक्चर्स इस चीज की है, और आपको आगे क्या करनी है, ये पिक्चर्स उनसे पूछनी है भाई ये किस चीज की बनाई हुई है मुझे, मैंने ठीक है। अब जैसे देखिए मैंने एक पिक्चर बनाई है आपके लिए, आप मुझे गेस करके बताओगे क्या बनाया मैंने, ये पिक्चर आप पहले देख भी चुके हो, तो बताइए ये क्या है, वेरी गुड, ये पेंसिल है आपकी, जो कि आपकी कौन से व्यू से दिख रही है, आपकी टॉप व्यू से दिख रही है। ठीक है, सो ऐसी आपको और भी पिक्चर्स ड्रॉ करनी है और अपने फ्रेंड से पूछना है। ठीक है, नाउ अब आपका नेक्स्ट आ जाता है रंगोली, अब रंगोली यहाँ पे आपको ड्रॉ करनी है। हैव यू एवर मेड अ रंगोली, माई फ्रेंड
मीनाक्षी मेक ब्यूटिफुल फ्लोर पैटर्न। अब आप वो कह रहा हैव यू एवर मेड रंगोली, आप सभी कभी ना कभी रंगोली बनाते हो, ठीक है। माई फ्रेंड, मेरी एक जो फ्रेंड है मीनाक्षी, वो क्या, मीनाक्षी जो है वो क्या कर रही है, रंगोली बनाती है और वो बहुत ही सुंदर फ्लोर पैटर्न बनाती है, ठीक है। आई एम मीनाक्षी, आई बिलोंग टू तमिलनाडु, वी मेक कोलम पैटर्न्स एवरी मॉर्निंग, दे आर मेड बाय यूजिंग डॉट्स। अब वो कह रही है, मैं मीनाक्षी हूँ और मैं आपकी बिलोंग करती हूँ तमिलनाडु से, मैं आपकी पैटर्न कोमल पैटर्न बनाते हैं इनकी यहाँ पे, ठीक है, जो हर सुबह इनके यहाँ पे पैटर्न्स बनते हैं, और नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से ये नेक्स्ट जो होती है अच्छी, मतलब मॉर्निंग उसे दोबारा से रिपीट करते हैं उस पैटर्न को बनाने की, ठीक है। दे आर मेड बाय द यूजिंग डॉट्स। अब वो डॉट्स से इस ये पैटर्न को बनाती है, ठीक है। अब देखिए, यू कैन ऑल्सो ट्राई, जैसे देखिए बच्चों ने यहाँ पे, ये मीनाक्षी ने डॉट्स से आपकी बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई हैं, सो आपको भी ऐसी बनानी है। तो देखिए, यू कैन ऑल्सो ट्राई एंड यूज टू डॉट्स गिवन बिलो टू मेक पैटर्न्स। टू पैटर्न्स हैव बीन ड्रॉन हियर। अब उसने बताया कि आपको क्या करना है, दो पैटर्न्स दिए हैं यहाँ पे, अब आपको क्या करना है, इन पैटर्न्स को बनाना है। जैसे यहाँ पे दो पैटर्न्स बनाए गए हैं, आपको अदर पैटर्न्स बनाने हैं, ठीक है। सो ये आपका एक्टिविटी वर्क है, तो ये आप खुद से करोगे, ठीक है। नाउ इसके बाद थर्ड है आपका मेक अदर पैटर्न्स योर सेल्फ। अब आपको खुद से एक पैटर्न बनाना है, कॉपी दी शेप्स ऑन डॉट ग्रिड। वो कह रहे हैं कि आपको डॉट ग्रिड से आपको जो पैटर्न है वो बनाने हैं। नॉट दैट सम लाइंस इन द शेप्स आर स्ट्रेट एंड सम आर नॉट। वो कह रहे हैं कुछ लाइन तो इसमें स्ट्रेट होंगी, लेकिन कुछ इसमें क्या होंगी, स्ट्रेट नहीं होंगी। सो आपको ऐसी जो जो है आगे बनानी है डॉटेड लाइन से, ठीक है। नाउ इसके बाद देखिए, नेक्स्ट पेज नंबर है आपका 5। यूज अ डॉट ग्रिड गिवन बिलो टू ड्रॉ योर ओन डिजाइन एंड शेप्स। अब यहाँ पे आपको फिर से पिक्चर्स ड्रॉ करनी है, तो ये भी आप खुद से करोगे, ये आपके लिए होमवर्क है। कंप्लीट दीज फिगर टू मेक स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स। अब आपको यहाँ पे कुछ कंप्लीट करने हैं, जो आपके स्क्वायर भी हो सकते हैं और रेक्टेंगल भी हो सकते हैं और ट्रायंगल भी हो सकते हैं, ठीक है। सो आपके लिए ये वर्क है, होमवर्क है, तो आप ये खुद से करोगे, ठीक है। नाउ अब देखिए, ऑन द डॉट ग्रिड गिवन बिलो ड्रॉ द फॉलोविंग्स, अ काइट, अ लीफ, अ फ्लावर, अ पोट, अ स्टार, अ पॉट। अब आपको ये कुछ चीजें दी गई हैं, ये चीजें आपको बनानी है, तो मैं एक चीज बना के आपको दे रही हूँ, नेक्स्ट आप लोग खुद से करोगे। देखिए, मैं आपके लिए काइट बना दे रही हूँ, डॉटेड लाइन पे लगना चाहिए आपका ये मेरा हो सकता है डॉटेड लाइन पे ना लग रहा हो, ठीक है। तो आपको सारे बच्चों का ये बना के देना है, ठीक है ना। इसके बाद अब आपका नेक्स्ट जो है, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।